हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हो मेरे प्यारे, उम्मीद है सबके सब बहुत 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 अच्छे होंगे। अगर अच्छे क्यों ना हो, बैक टू बैक हमें चौंकाने के लिए, हैरान करने के लिए, हिलाने के लिए, मतलब अपनों को ही नहीं दूसरों को भी वर्ल्ड वाइड हिलाने के लिए अपनी इंडस्ट्री इतनी मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा। उसी मेहनत का एक छोटा सा नजराना लेके आए हैं, नई मूवी का ग्लिम्प्स आए हैं, ट्रेलर नहीं कह सकते, टीजर नहीं कह सकते, ग्लिम्प्स आए हैं। मूवी का नाम है कल्कि 2898 AD ग्लिम्प्स। और इसके अंदर जो एक्टर्स हैं ना भैया, उनका नाम सुनते ही मेरे को ये हो गया भाई कुछ ना कुछ फाड़ने वाले हैं। जैसे इसके कमेंट्स बहुत आ रहे थे, तारीफ बहुत आ रही थी इस वीडियो की। इसमें है प्रभास और इसमें अमिताभ बच्चन, कमल हसन और है इसमें दीपिका पादुकोण एंड नाग अश्विन। ओके, ये शायद नाग अश्विन ने बनाई है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं आपको इतनी डिटेल में नहीं पता है। तो गाइस देखते हैं इस ग्लिम्प्स को, इस छोटी सी क्लिप को, और उसके बाद बात करते हैं कि यार सच में इतने अच्छे, क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं बहुत फाड़ू वाले कि भैया क्या वीडियो है, क्या वीडियो है, क्या वीडियो, उसका रिएक्शन करो, उसका रिएक्शन करो। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या बंदे चल रहे हैं ना? पानी को तरस रहे हैं। The world, ये फ्यूचरिस्टिक मूवी है ना। Oh my god. 28, 98 Project K. यार ये आंखें जान लेगी किसी ना किसी की। कल की 2898 AD अभी तो 2024 में आएगी है। अभी 2023 चल रहा है और ये मूवी बेस है 2898 पे। वो क्या था, सन 2898? अच्छा, 2024 2898। हाँ, मैं तो मर जाऊंगी तब तक। तब थोड़ी ना आएगी मूवी। अरे बेस्ड की तब तक तो सभी मर जाएंगे। 800 साल की बात है ये। 800 साल हो जाएंगे क्या? नेहा ने भाई दिखा दिया कि नेहा को कुछ समझ में नहीं आया। और ये मूवी भैया मेरे को एक तरह का फीलिंग दे रही थी स्टार वॉर्स की, लेकिन स्टार वॉर्स वगैरह भाड़ में गया भाई, ये अपना खुद का जब बना रहे हैं हम लोग, क्या हमने चीज की स्टार वॉर्स की। बाकी भैया गजब कर दिया है, गजब। और जो प्रभास का लास्ट वाला लुक था ना, वो अक्खों वाला, वो तो किलिंग था, सच में किलिंग नहीं किलर था, और माइंड ब्लोइंग लगाया मेरे को। मतलब सच में पहली बार अपना, मतलब पहली बार तो नहीं, जब से SS राजामौली ने मूवीज, मतलब उनकी मूवीज चढ़ने लगी ना, बना तो शुरू से फड़ू मूवीज ही रहे हैं। हाँ। लेकिन जब से बाहुबली आई है तब से एक अलग ही कॉन्फिडेंस सा जाग गया है। हाँ। जितने भी नए डायरेक्टर हैं उन सब में, प्रोड्यूसर्स में कॉन्फिडेंस जाग गया है कि भी कुछ हटके करने का। पहले डरते थे सब कि भी कुछ अलग करेंगे, लोगों को पसंद आए ना चले, मतलब जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है ना उसको तो दिखाने की किसी ने सोची नहीं कभी भी। बाहुबली आई और RRR आई और उसके बाद अपना पुष्पा भाव आए तो उसके बाद हिम्मत आ गई है कि हाँ हमारे कंटेंट को भी देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड लोग। बिल्कुल। लोग हमारे भी फैन हो रहे हैं, हमारी स्टोरीलाइन के फैन हो रहे हैं, हमारी वीडियो के, एडिटिंग के, ग्राफिक्स के, हर चीज़ के फैन हो रहे हैं, लोग तारीफ हो रही है हमारे कंटेंट की। अब लोगों में हिम्मत आ चुकी है, इंडियंस में हिम्मत आ चुकी है, नए नए जो नया न्यू ब्लड है ना उनमें भी हिम्मत आ चुकी है। यस वी कैन डू दिस। मेरा ये मानना है कि अगर काम अच्छा है ना, मतलब प्रॉपर, एक जैसे सपोज कोई फिल्म है उसके अंदर हर जगह से परफेक्ट है, छोटी मोटी गलतियां हर कोई इग्नोर कर देता है, तो वो हर किसी को पसंद आती ही आती है। अब ऐसा तो है, छोटी मोटी गलतियां इग्नोर कोई नहीं करता है क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल पे चल रही है बातें। नहीं, अब सपोज कि भाई ग्राफिक कार्ड, जो भी क्या ग्राफिक कार्ड, सॉरी क्या बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ग्राफिक कार्ड नहीं, ग्राफिक कार्ड नहीं, अभी आप कुछ कह रहे थे ना VFX ग्राफिक्स, कुछ भी मूवी के, यही अगर ये सब कुछ अच्छा है और स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है, अब लोगों के कमेंट आएंगे यार भाभी को तो कुछ भी नहीं पता क्यों उठा रखी है मैडम, क्यों उठा रखी है ऐसा, कोई नहीं बोलता कि क्यों बिठा रखी है, अब देखना बोलेंगे यार पता क्या ग्राफिक कार्ड, मतलब कि नेहा ने एक दो बार मेरे मुंह से सुन लिया कि कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड है या ये ऐसा कुछ सुन लिया या गेम खेलने के लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए मेरे को ऐसा कुछ भी, तो ये वही ग्राफिक कार्ड मूवीज में डालने लगी है नेहा। यार ट्रोल हो जाऊंगी फिर। तो गाइज
माइंड ब्लोइंग ग्लिम्प्स, क्या ये तो हिला देने वाला सिस्टम था, सुपर्ब यार प्रभास सर, वी लव यू। तो बाकी भैया एक्टिंग में माइंड ब्लोइंग है, और जो ये रोल करते हैं ना वो जचता है, इनको उसी टाइप का रोल देना चाहिए, थोड़ा बल्कि सा और या उस टाइप का, समझ लो। रोल के ऊपर याद है कि जो दीपिका पादुकोण है ना, उस पे भी ये रोल अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे जैसे वो रोबोट टाइप सा ना, जैसे एक्शन वुमन है वो, और ये मतलब ब्लंकट हेयर, मतलब बहुत सुंदर लगती है, सुंदर भी लगती है, और वो एक्शन की वो रोल उनपे जचता है। हाँ हाँ, वो रोल नहीं, वो लुक उनपे जचता है। आप तो लुक की बात कर रही हो, रोल के बारे में तो आपने कुछ बोला ही नहीं इसमें, तो अब मैं रोल के बारे में बात कर लेता हूँ। तो गाइज एक्शन बहुत जचता है उनपे, एक्शन वुमेन है वो, जैसे प्रियंका चोपड़ा उनपे सारे एक्शन रोल्स भी जचते हैं। तो गाइज माइंड ब्लोइंग टीजर था, ट्रेलर था, सॉरी ग्लिम्प्स था, टीजर ट्रेलर नहीं बोलूँगा, ग्लिम्प्स बोल दो, टीजर बोल दो, 1 सवा मिनट का है, टीजर भी इतने टाइम का आएगा, और मेरे ख्याल से टीजर में भी इसी के नेक्स्ट लेवल की स्टोरी दिखाई जाएगी। बाकी हमें टीजर देखने की जरूरत नहीं, अब हम सीधा तैयार हैं ट्रेलर देखने के लिए। सुपर लगा हमें ये वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।